हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बहुत ही खस्ता और फ्लेकी छिलके वाले खड़े मूंग दाल के मसालेदार खस्ता कचौड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये कचौड़ी खाने में बहुत ही जायकेदार होती है और सभी को खूब पसंद आएगी, क्योंकि इस कचौड़ी की फीलिंग बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने तैयार किया है और आशा करती हूँ आप सभी को भी पसंद आएगी। आपने देखा कितना ये खस्ता बना हुआ है, कोई भी तरीदार सब्जी या फिर चटनी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और आप भी ऐसी कचौड़ी बनाकर घर में एंजॉय करिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं बबीता और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने कुकिंग चैनल पर। अगर आप सभी को हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऐसे नए नए वीडियो हमेशा देखने के लिए। तो चलिए आगे रेसिपी शेयर करते हैं। छिलके वाली मूंग दाल की कचौड़ी बनाने के लिए हाफ कटोरी छिलके वाली मूंग दाल लिया हुआ है, ग्रीन मूंग दाल है, इसे हमने बॉईल कर लिया है। हाफ कटोरी मूंग दाल के लिए हमने डेढ़ कटोरी पानी डाला था और ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। यहाँ पर देखिए जो मसाले लगेंगे, 10-15 लहसुन की कलियों को हमने ग्रेट कर लिया, आधा इंच अदरक का टुकड़ा को ग्रेट कर लिया है, एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं और एक मीडियम साइज का टमाटर को हमने बारीक कट कर लिया है। पैन को गर्म करके 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर उसमें 1 बड़ा चम्मच घी हमने डाला है। लहसुन और प्याज को सबसे पहले भून लेते हैं। भूनने के बाद यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्च और ये अदरक ग्रेट किया हुआ, डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून जितना बेसन। बेसन को अच्छी खुशबू आने तक भून लेंगे बस 2 मिनट के लिए और यहाँ पर डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इस स्टफिंग को और फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पर जाएंगे कुछ ड्राई मसाले। 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर जाएगा धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। डालेंगे 1/2 टेबलस्पून जितना आमचूर पाउडर और 1.5 टेबलस्पून जितना पाव भाजी मसाला, दोनों को एक साथ मिक्स करके रखा हुआ है, डाल देंगे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1/2 टेबलस्पून यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला पाउडर और 1/2 टेबलस्पून यहाँ पर डालेंगे कसूरी मेथी। सभी को 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। फिर इसमें डालेंगे हम टमाटर बारीक कटा हुआ। बहुत ही अलग तरीके से इस कचौड़ी की स्टफिंग मैं तैयार कर रही हूँ, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी, इसे आप जरूर ट्राई करें। टमाटर यहाँ पर 50% कुक हो चुका है, इसमें डालेंगे बॉईल करके रखा हुआ हरा मूंग, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा मैश करते हुए 2-3 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे और ये स्टफिंग तैयार हो जाएगी। तो कभी भी दाल को बॉईल करें परफेक्ट रेशियो रहना चाहिए पानी का, तो 1/2 कटोरी दाल के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी का डाला था और ये दाल बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका था। इसे हम ठंडा होने देते हैं और यहाँ पर देखिए डो लगा लेते हैं कचौड़ी के लिए। कचौड़ी खस्ता और परफेक्ट बने उसके लिए डो सही से लगा होना चाहिए। 1.5 कप मैदा लेंगे यहाँ पर छान करके, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टेबल स्पून जितना हमने कसूरी मेथी को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था इसे हाथों से क्रश करके डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। 1.5 कप मैदा के लिए यहाँ पर 1.5 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का डालेंगे। अगर आपका मोयन सही रहेगा तो आपकी कचौड़ियाँ भी सही बनेंगी। तो 1.5 कप मैदा के लिए 1.5 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का हमने यहाँ पर डाल दिया है। हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट डो लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों हाथों से मसल मसल कर इसे मिक्स करना है, ब्रेड क्रम्स जैसा इसे बनाना है। और ये देखिए थोड़ा सा ये बंधन लगेगा तब आप समझिए कि ये सही डो है खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए। अच्छी तरह से हाथों से इसे हमने मसल करके तैयार कर लिया, यह देखिए अच्छी तरह से ये बाइंड हो रहा है, परफेक्ट है डो लगाने के लिए। डो लगाने के लिए रूम टेम्परेचर का पानी होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो इस डो को ज़्यादा मसलना नहीं है, बस यहाँ पर सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके एक तरफ बाइंड करके रख लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैसे इस डो को लगाया है, ये देखिए एक जगह हमने बाइंड कर लिया है। इसे रेस्ट पर हम छोड़ते हैं 15-20 मिनट के लिए। कचौड़ी के लिए डो हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक हम फिलिंग को देख लेते हैं। फिलिंग ठंडा हो चुका है, इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून जितना चाट मसाला, 1 चुटकी जितना यहाँ पर डालेंगे खाने वाला सोडा, ये ऑप्शनल है आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और छोटे छोटे बॉल्स यहाँ पर तैयार करके रख लेते हैं नींबू के काट के। जितने साइज के आपको कचौड़ी तैयार करनी हो उतने साइज के आप बॉल्स तैयार कर लें। यहाँ पर देखिए मैं छोटे छोटे नींबू के आकार के बॉल्स यहाँ पर तैयार करके रख लेती हूँ, इससे आसानी रहेगी। जितने हमें कचौड़ियाँ तैयार करनी है उतने हमने बॉल्स यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। डो हमारा रेस्ट कर चुका है तो चलिए उसके हम पेड़े काट लेते हैं और इसे स्टफ करके कचौड़ियाँ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डो को हल्के हाथों से एक बार मसल लेंगे और इसके हम पेड़े काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अमरूद के आकार के पेड़े काटेंगे। जितने हमने स्टफिंग ली हुई है
उससे बड़ा ही रहना चाहिए। देखिए नींबू के आकार का हमने फिलिंग तैयार किया हुआ है और ये जो डो है वो थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए, साइज में डबल होना चाहिए। तो सभी पेड़ों के यहाँ पर हमने कट कर लिया है। देखिए इसे एक बार चिकना कर लेते हैं और यहाँ पर उंगलियों की मदद से इसे कटोरी जैसा बनाएंगे और इसमें स्टफिंग डालकर अच्छे से इसे सील कर देंगे, लॉक कर देंगे, जिससे ये ऑयल में जाते ही खुले ना। तो अच्छी तरह से इसे लॉक करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये ऑयल में जाते ही बिखर जाएंगी, फूल जाएंगी और ये फूलेंगी भी नहीं। देखिए अच्छी तरह से हमने लॉक कर दिया, थोड़ा सा इसे दबा देना है और हल्के हाथों से इसे हम प्रेस कर देंगे जिससे ये स्टफिंग चारों तरफ फैल जाए। तो इसे हमें बेलना भी है, तो सभी को इसी प्रकार से हम स्टफ कर लेते हैं। यहाँ पर सभी कचौड़ियों को हमने स्टफ करके रख लिया है, इसे अब बेल लेते हैं। तो बेलन की मदद लेंगे और हल्के हाथों से इसे हम बेलेंगे। देखिए हल्के हल्के बेलना है, ज़्यादा इसमें दबाव नहीं डालना है, नहीं तो ये फट कर निकल आएंगे। देखिए और सबके हाथों से इसे बेल कर थोड़ा सा इसे फैला लेना है। देखिए इस तरीके से बेलना है, हाथों से पहले इसे थोड़ा दबा लें और फिर इसे बेलें। देखिए इस तरीके से मैं सभी कचौड़ियों को बेल लेती हूँ। ऑयल हमने चढ़ा दिया है, देखिए सारी कचौड़ियाँ हमने बेल ली है। चेक कर लेते हैं, ऑयल एकदम हल्का गर्म होना चाहिए, हल्के हल्के बुलबुले आ रहे हैं। देखिए इस तरीके का ऑयल होना चाहिए। मीडियम हीट ऑयल में कचौड़ी को फ्राई करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम रखा हुआ है। अगर आप सही तरीके से कचौड़ी को फ्राई करेंगे तो कचौड़ी खस्ता बनेगी और साथ ही साथ उसमें बुलबुले नहीं आएंगे। कभी कभी आप देखते होंगे कचौड़ी में बुलबुले आ जाते हैं, तो बुलबुले नहीं आएंगे। तो सही ट्रिक्स आपको आना चाहिए। अगर आप सही तरीके से कचौड़ी को फ्राई करेंगे तो कचौड़ियाँ परफेक्ट बनेंगी। यहाँ पर देखिए मैंने इसे लो फ्लेम पर ही छोड़ा हुआ था और ये देखिए अपने आप ही फूल कर ऊपर आ गया है। और फूल कर ऊपर आने के बाद मैं इसे पलट देती हूँ एक बार के लिए। और ये देखिए फ्लेम यहाँ पर मीडियम है और इसे घुमाते हुए सेक लेंगे, इसे ज़्यादा उलट पलट नहीं करना है, धीरे धीरे इसे सेकने देते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी, खस्ता हो जाएगी। एक बार में कचौड़ी को सेकने के लिए 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्लेम को अभी हाई कर दिया है जिससे अच्छा कलर आ जाए। और ये देखिए कचौड़ियाँ हमारी अच्छी फ्राई हो गई हैं। आपको जैसा कलर रखना हो, जैसा गोल्डन कलर रखना हो आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई कर दिया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा लाइट फ्राई कर सकते हैं क्योंकि सिकने के बाद भी थोड़ा सा अपने आप ही सिकता रहता है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर दूसरा टर्न भी हमने डाल दिया है और फ्लेम यहाँ पर लो है, अपने आप ये फूल कर ऊपर आ गया, देख सकते हैं। पलट कर हमने चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया है और ये देखिए बहुत ही मस्त फुली फुली खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। और इसका कलर हमने थोड़ा सा लाइट ही रखा हुआ है। बाकी की कचौड़ी भी हमने इसी तरह से फ्राई कर ली है। देखिए बहुत ही मस्त फुली फुली खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है, बहुत ही डिलीशियस बनी है फ्रेंड्स। आप भी इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। चलिए एक तोड़ कर दिखाते हैं कितना ये खस्ता बना हुआ है। देखिए बहुत ही फूली हुई और खस्ता ये कचौड़ी बनी है। इसकी स्टफिंग आप देख सकते हैं चारों तरफ से कितनी अच्छी तरह से फैला हुआ है। इसे किसी भी आलू की तरीदार सब्जी या फिर टमाटो सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इस कचौड़ी की खास बात ये है कि आप इसे 4-5 दिनों तक स्टोर करके खा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये यूनिक स्टाइल की मसालेदार कचौड़ी की रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी यूनिक लगी हो, ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसे नए रेसिपी हमेशा देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।